आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे बैरियरटाउन लाहौर में जो उसकी न्यू डील आ रही है उसकी और बैरियर ऑर्चर्ड की जो डील्स पहले आई थी, इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे प्राइस के हवाले से भी और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको यहाँ कितना फ़ायदा हो सकता है। तो इन तमाम डिटेल्स के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए बढ़ते हैं डिटेल्स की जानकारी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाजिब रज़ा फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। और जैसे आप जानते हैं कि ऑल ओवर पाकिस्तान, चाहे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हों चाहे कमर्शियल हो, हर प्रोजेक्ट के हवाले से आपको टाइमली अपडेट दी जाती हैं। तो इसी तरह अगर हम बैरियरटाउन लाहौर में देखें तो यहाँ पे एक न्यू डील जो है जिसके बारे में तकरीबन पिछले एक हफ़्ते या 10 दिन से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हाइप जो है क्रिएट हुई हुई है और हर जो है हर कोई इसकी जो है इंतज़ार में है कि डील लॉन्च हो और वो इसको अवेल कर सकें। तो बैरियरटाउन सेक्टर जी की ये डील है, न्यू सेक्टर लॉन्च हो रहा है। तो अब इसमें अगर हम देखें इसकी कैटेगरीज प्राइस वगैरह भी, तो इसमें 5 मरला 10 मरला के रेजिडेंशियल जो हैं ऑप्शंस कैटेगरीज में दी जा रही हैं, फिर कमर्शियल साइड पे भी जो है 5 मरला और 8 मरला के कमर्शियल्स यहाँ पे ऑप्शन है और होपफुली ये शायद तकरीबन 6 मंथ टू 1 ईयर के इंस्टॉलमेंट प्लान पर लॉन्च किया जाएगा। तो इसका फ़ायदा उन लोगों को भी है कि जो कि एक साथ कैश पे जो है ऑप्शंस को, किसी भी किस्म की ऑप्शन जो होती है उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस हवाले से है कि इंस्टॉलमेंट पे वो इसको अवेल कर पाएंगे। बाकी अब अगर इसकी प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो तकरीबन 5 मरला 50 to 60 की ब्रैकेट में ये तकरीबन एस्टिमेटेड प्राइस इसकी जो है वो फॉल करेगी, फिर 10 मरला जो है तकरीबन 85-90-95 की ब्रैकेट में आती है। अब अगर हम इसको देखें इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब इसका अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ बैरी ऑर्चर्ड के साथ, अब जैसे कि आप जानते हैं कि बैरी ऑर्चर्ड में भी आज से तकरीबन 1.5 साल पहले एक LCO2 की डील थी जो बेसिकली फेज़ 5 था ऑर्चर्ड का, फिर उसको LCO2 में कन्वर्ट किया गया। तो वहाँ पे भी इसी तरह की एक डील लॉन्च की गई थी तकरीबन, जहाँ पे 5 मरला अराउंड 33 लाख से उसको लॉन्च किया गया था आज से 1.5 साल पहले। तो अब उसमें तकरीबन विद इन 6 मंथ जो है वो डिवेलपमेंट भी कम्प्लीट हुई और वो डील भी सारी मेच्योर हुई, विद इन टाइम जो है मेच्योर हुई। और क्योंकि बैरिया की जो डेवलपमेंट की पेस है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड है, तो चीज़ें काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर डिलीवर की जाती हैं। तो उसका अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें, तो उस टाइम क्योंकि 33 लाख की डील थी, तो इस टाइम आज से 1.5 साल बाद अगर उसकी हम उसी 5 मरला की प्राइस देखें बैरिया ऑर्चर्ड में, तो वहाँ पर इस टाइम प्राइस 50 to 60 लाख की ब्रैकेट में ये प्राइस आती है 5 मरला। और उसके अलावा वहाँ पे 8 मरला की भी 5 मरला 8 मरला रेजिडेंशियल कैटेगरीज और 5 मरला कमर्शियल लॉन्च की गई थी। तो तकरीबन जो बैरिया में जो सेक्टर जी लॉन्च किया जा रहा है ये भी ऑलमोस्ट उसी जो है पैटर्न के ऊपर फॉल करता है, उसी कैटेगरीज उसी किस्म की कैटेगरीज यहाँ पे आ रही हैं। तो अगर तो इसको मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ या अगर मैं इसको रेजिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, तो दोनों लिहाज से बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, हर लिहाज से आप इस ऑप्शन को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो बाकी फर्दर किसी भी इस हवाले से, किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन या डिटेल आपको रिक्वायर्ड हो या कुछ भी आप पूछना चाह रहे हो, तो आप मुझसे किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक अपडेट के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ जाजिब रज़ा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।